शुभ प्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में पुनः स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज के हमारे इस हिंदी की कक्षा का नाम है स्मृति, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग एक में दूसरा अध्याय है और ये श्री राम शर्मा जी के द्वारा रचित है। आज की इस कक्षा में हम श्री राम शर्मा जी के संक्षिप्त जीवन परिचय एवं उनके द्वारा रचित कहानी स्मृति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हुए हम सर्वप्रथम श्री राम शर्मा जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानते हैं और उसके पश्चात हम उनके द्वारा रचित कहानी स्मृति पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। श्री राम शर्मा, जैसे कि आप इनके नाम के सामने देख रहे हैं, सन 1896 से लेकर के 1967 तक यह इनका जो है जन्म एवं देहांत की जो है दिनांक तिथि है। सन 1896 में इनका जन्म हुआ था और सन 1967 में इनका देहावसान हो गया था। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके नाम के नीचे प्रारंभ में अध्यापन कार्य करने के बाद लंबे समय तक ये स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुटे रहे। जैसे कि आप सभी सुनते हैं कि आज़ादी से पूर्व अनेकों लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारे जो है देश सेवा में एवं जो है स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, तो उन्हीं में से एक श्री राम शर्मा जी भी हैं। विशाल भारत के संपादक के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की है, यानी कि जो है एक समाचार पत्र उस समय निकलता होगा जिसकी जो है ये संपादक रहे हैं। शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने गए हैं। इसी प्रकार से जो है ये तो पत्रिका या पत्र दोनों में से कोई एक चीज़ शिकार साहित्य के जो है अग्रणी यानी कि जो है सर्वप्रथम के लेखक माने गए हैं, जिनकी जो है जिनका लेखन सबसे ऊपर रहता था। अग्रणी मतलब सबसे आगे। प्रमुख रचनाएं, अब जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वह शिकार, बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव, जो कि शिकार संबंधी पुस्तकें हैं, ये सभी की सभी। सेवाग्राम की डायरी एवं सन 42 के संस्मरण इत्यादि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार हमने जो है श्री राम शर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जाना कि मैं जो है उनका अध्यापन पहले उन्होंने अध्यापन कब उनका जन्म हुआ, कब उनका देहांत हुआ, कब उन्होंने जो है अध्यापन का कार्य के बाद उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उन्होंने जो है किस प्रकार की रचनाएं लिखी, इस प्रकार से हमने संक्षिप्त रूप से जाना। तो चलिए अब इनके द्वारा जो रचित कहानी है स्मृति, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में लगी हुई है जिस पार्ट दो में, उसके बारे पर उस कहानी को विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। पाठ स्मृति, सन 1908 ईस्वी की बात है, दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। थोड़ी सी बारिश हो गई थी जिस कारण से जो है ठंड और ज़्यादा बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे, कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते मैं घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ, तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए, ये बड़ी जरूरी हैं। जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी, यानी कि जो ठंडियों का दिन था ऊपर से हवा चल रही थी तो उस हवा के कारण से जो है कपकपी छूट रही थी। हवा मज्जा, मज्जा का मतलब हुआ
क्या यानी कि हड्डी के भीतर भरा मुलायम पदार्थ। हवा जो है मज्जा तक ठुठुरा रही थी, यानी कि जो है हमारी जो है अंदर तक की हड्डियां जो है कड़कड़ 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 बोल रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने बुझाने यानी कि जो है भुनवाना, ठीक है, बुझाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए, यानी कि भुने हुए चने जो है एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय मतलब जो उस समय उस बबूल के यानी कि जो लकड़ी थी बबूल की लकड़ी थी जिसका डंडा था, बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं, समझे, यानी कि उस उम्र में जो बबूल का डंडा था उससे जितना लगाव था उस उतना लगाव आज के जो राइफल होती है उससे भी नहीं होता। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका। जो लेखक है उसका भाई कह रहा है मेरा डंडा अनेकों के लिए जो है नारायण वाहन हो चुका सांपों के लिए। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे, इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे, यानी कि प्रसन्नता के साथ में जो है बोलते हुए वे दोनों मक्खनपुर की ओर बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी इसलिए टोपी में रख करके वो टोपी सर पे पहन ली। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से चार फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उस समय हाथ का हिसाब चलता था कि कितने हाथ लंबा कितने हाथ गहरा, तो 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी भी नहीं था, उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी, मतलब जो है हमारी जो उनकी पूरी टोली है वह पूरी एक तरीके से जो है उछलते कूदते जाते तो वो अपने आप को बानर टोली कहते, बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उचकने, ठीक है, उचकने का तात्पर्य है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि पंजे के बल उछलकर झांकना, कुएं में उचकने की सूझी, यानी कि जो पंजे के बल कूद करके झांके। उससे पहले उछकने वाला मैं ही था, मतलब सबसे पहले उछकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि, यानी कि जब हम किसी बंद कमरे में भी अगर आप बोलते होंगे तो आपकी आवाज़ गूंजती है, तो उसी प्रकार से जो है अपनी ही ध्वनि सुनना, प्रतिध्वनि, अपनी ही ध्वनि सुनने की इच्छा थी। परंतु कुएं में जो ही ढेला फेंका, यानी कि जो कंकर था वो फेंका गिरा जा करके, त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोल करता हुआ मृग समूह, किलोल किलोले करता हुआ मृग समूह, ठीक है, अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले
कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की हमारी जो प्रवृत्ति थी, यानी कि जो हमारी आदत बन चुकी थी, मन की किसी विषय को जानने की इच्छा या उसकी तरफ कोई झुकाव होना, तो वो पुनः जागृत हो गई। आज भी मैं आज भी कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे, जो है ये चित्र आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से ढेला उठाया और उसकी तरफ, जैसे मृग शावक, ठीक है, मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है, यानी कि बड़े हिरण के पीछे कोई छोटा हिरण चलने के लिए तैयार हो जाता, उसी प्रकार से मेरे पीछे पीछे छोटा भाई भी आ लिया। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही जो तीन चिट्ठियां थी, वे तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई थी। अकस्मात, यानी कि अचानक से, जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वह चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो मानो जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपटा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता, परंतु बच गया। अब आगे कहता है लेखक, कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ठाड़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें, मतलब छोटा भाई तेज तेज रो रहा था और मैं जो चुपचाप जो है आंखें डबडबाकर रो रहा था। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था, यानी कि बड़े भैया पीटेंगे, इस बात का भय था बहुत ज़्यादा। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, जो कह रहे हैं लेखक, लेखक कह रहा है कि जो पलकें होती हैं, वे पलकें जो है बंद होकर के जो हमारी आँखों के भाव होते हैं उनको दिखाने से रोक रही है, उनको देखने या दिखाने से क्या रोक रही है, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। परंतु जैसे ही, मतलब जो हमारी पलकें बंद होती थी, जो कपोल होते हैं यानी कि गाल, हमारे गालों पर आंसू आ ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी, जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। घर लौटकर, कवि कहता है कि घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुलाई होती, जैसे रुई को पीट पीट कर साफ किया जाता है, उसी प्रकार से रुई की तरह हमारी भी धुलाई होगी। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भाव, भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए, देर हो रही थी, उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, यानी कि रात भी धीरे धीरे आ रही थी। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुहारी, ठीक है, तलवार कलेजे पर फिर रही थी, यानी कि दोधारी तलवार, दोनों तरफ से धार वाली तलवार होती है उसको दुधारी कहते हैं, दुधारी यानी कि दोनों तरफ वाली धार वाली तलवार।
अब आगे लेखक कहता है कि जो दृढ़ संकल्प है, दृढ़ संकल्प से द्विधा, यानी कि जिस असमंजस की बेड़ियों में फंसा हुआ था, तो दृढ़ संकल्प से द्विधा की बेड़ियाँ कट जाती है। तो मैंने भी जो है संकल्प ले लिया ताकि जो है मैं इन बेड़ियों से छूट सकूँ, मेरी द्विधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय कर लिया मैंने, अब मैं जो कुएं के अंदर जाकर के चिट्ठियाँ निकाल के ही लाऊंगा। इतना भयंकर निर्णय था, पर जो मैं मरने को तैयार हो उसे क्या, मूर्खता अथवा बुद्धिमता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया, पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी, पर विश्वास था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास से, दृढ़ विश्वास के बूते, यानी कि इसी दृढ़ विश्वास के चलने पर मैंने कुएं में फंसने की ठानी, सॉरी क्षम्यता, घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से ना कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी हुई थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। अब वो नंगा कैसे हुआ, उसकी धोती निकाली, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, दो एक चने वाली, ठीक है, और दो कानों कोनों से, यानी कि जो साइड से बंधी हुई धोतियाँ, पांच धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए, ठीक है, काफ़ी हुई, वहाँ तक जो है पहुँचने के लिए काफ़ी हो गई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को टेंग, यानी कि वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, के चारों ओर एक चक्कर देकर और उस एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को जो है डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन, यानी कि विश्वास दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता, क्योंकि मैंने पहले भी कई सांप मारे थे, जैसा कि लेखक बोल रहा है। कुएं के धरातल में जब 4-5 गज रह गया, ठीक है, तब ध्यान से नीचे को देखा, अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर, यानी कि पूरा एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग, यानी कि अगला हिस्सा, जो आधा हिस्सा था, अगला भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था कि आ जाओ नीचे। नीचे डंडा बंधा हुआ था, उसे वो मेरे उतरने की गति से जो धीरे धीरे हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक, यानी कि जो और ज़्यादा जो है डेंजरस, चोट के आसन पर
बैठा था, यानी कि चोट करने के आसन पर सामने वाले पे। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था मेरे नीचे आते ही अपना फन से जो है उसको फुंकार मारकर चोट पहुंचाने के लिए। उसका प्रतिद्वंदी, उसका जो है प्रतिद्वंदी यानी कि मैं, उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती टेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच क्या बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था, यानी कि जो है कुएं के ठीक बीचों बीच। उसकी उसके माने थे सांप से डेढ़ दो फिट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, यानी कि जो है उसका जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है, इतना चौड़ा नहीं होता कि जो है एक कोने में सांप दूसरे कोने में आप काफ़ी ज़्यादा दूरी हो जाए, नहीं बहुत कम। नीचे तो वह डेढ़ गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक चार फिट अधिक से चार फिट की दूरी पर रह सकता था, पर वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना था कुएं के बीच में क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखलाने का निश्चय नहीं किया था, यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता त्यों तो मेरी एकाग्रचित्ता बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ यानी कि जो है एक तरीका सूझा। दोनों हाथों में धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। अब जो है दीवार से पैर लगाते हुए कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप के फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर की दीवार से हट मतलब उसके जो है पैर दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही, यानी कि जो है बीचों बीच में लटकती रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर, लेखक कहता है कि तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल में सटाए, यानी कि जो है कुएं की साइड में जो है अपने पाँव को लगाया और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर डेढ़ गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा का मतलब होता है, चक्षु मतलब होते हैं नेत्र और श्रवा मतलब होता है सुनने वाला, यानी कि आँखों से भी सुनने वाला। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्तियाँ सारी आँखों को ही दे दी हो, जिस कारण से मुझे लग रहा था कि मैं अपनी आँखों से ही सब कुछ देख और सुन रहा हूँ। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर आक्रमण करता। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैं कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम हो गया, यानी कि वह तो गायब ही हो गया। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी जितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, मिथ्या मतलब झूठी, ठीक है, यानी कि मनुष्य की जो योजनाएं होती हैं
वे कभी कभी इतनी झूठी और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। यानी कि जैसे ही मैं सांप के सामने पहुंचा, जो जो मैंने सोचा था कि इस प्रकार सांप को मार दूंगा और ऊपर आ जाऊंगा, वे सभी जो है असंभव था, यानी कि जो है गलत प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही ना था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने के लिए कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई दो चिट्ठियों को कैसे उठाता। दो चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे रहे, यानी कि वो मेरी तरफ देखता रहा, मैं उसकी तरफ देखता रहा। इस तरह हम दोनों एक दूसरे के पैंतरे पर डटे रहे। उस आसमान पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। आसन पर जो खड़े खड़े 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, यानी कि उसकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी। हम दोनों जो है अपने मोर्चे पर डटे हुए थे, अपने स्थान पर डटे हुए थे बिल्कुल वैसे ही। पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ा तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता। पर वह तो अचूक, यानी कि जो है अचूक का मतलब होता है खाली ना जाने वाला या फिर एकदम निश्चित स्थान पर, ठीक है, तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। यानी कि अचूक तरीके से बिना अपना जो है निशाना गवाए मेरे शरीर में वो विष को पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार ना किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी नहीं था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप जो है टूट पड़ा तो कोई चारा ना था, कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था, जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये दो मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, दूसरे मार्ग को अपनाना पड़ा। अब जो है लेखक, डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर जो है पड़ी चिट्ठी को की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ जो है काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी, डंडा छूट पड़ा। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही भिदक कर उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है, यानी कि वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया कि देख लो, अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अब जो है, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था, पहले से ही जो है उसकी योग्यता से भली भांति परिचित था, उस सर्टिफिकेट की जरूरत ही ना थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की।
वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था इस भांति अपमानित हुआ था यह शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके से में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भातृ स्नेह के नाते बाने की चोट लगी। उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा ना थी, यानी कि जो बेवजह नहीं थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। अब जो है डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर जो है छिचक सहम और आतंक से अपनी ओर खींच गया और गुंजलक, ठीक है, गुंजलक का मतलब होता है गुत्थी यानी कि गांठ, गुंजलक मारता हुआ सांप पर सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता, यानी कि पिछले की बजाय अगला हिस्सा होता, तो बात दूसरी थी। फिर कहते तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता, लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों डंक बचने के जो है निकल आते हैं। वह देवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। अब जो है डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। चिट्ठियां तो ले ली, लेकिन डंडा भी उठाना है भाई। सांप उससे जो है खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। अब कैसे लूं? जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा, और मैंने दूसरी ओर से उसकी बाईं ओर से जो है डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया और बीच में डंडा ना होता तो फिर पैर में डंडा ना होता अगर तो पैर में उसके दांत गड़ ही गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धोकनी चल रही थी। धोकनी का मतलब जो है एकदम तेज तेज सांसें। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ गया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झार झूर कर धोती कुर्ता पहना, फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था ताकीद, यानी कि जो है
बार बार चेताने की क्रिया ताकीद चेताने की क्रिया करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। इस प्रकार की हमारी वार्ता हुई। उसके पश्चात सन 1915 में जो है मैट्रिक्युलेशन पास करने के बाद में, यानी कि 12वीं पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे उठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को, ठीक है, देने, चिड़िया अपने बच्चे को देने के नीचे छिपा लेती है, अपनी जो है गोद में छिपा लेती है। उसी प्रकार से कितने अच्छे थे मेरे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। इस प्रकार से हमने जो है यह पाठ स्मृति इसके बारे में जाना, जो कि जो है श्री राम शर्मा जी की स्मृति पर आधारित है, उनकी जो है कहानी पर आधारित है। तो उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को यह कहानी समझ में और क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई संदेह है तो आप उन संदेह को दूर कर सकते हैं अपने प्रश्नों के माध्यम से। सभी इस कहानी को ध्यान से सुने और जो है इसके सभी प्रश्नोत्तर को अपनी फेयर नोटबुक में करके उनको याद करें। जिन विद्यार्थियों ने इसके प्रश्नोत्तर किए हुए वह पुनः ना करें, जिन्होंने नहीं किए वह इनके सभी 9 के 9 प्रश्नोत्तरों को कर करके जो है उनको याद करें। अब हम अगली कक्षा में अगले अध्याय के साथ में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।